अब हर्पीस वायरस के बाद हमारे पास है रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन। अब अगर किसी को रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? इन्फ्लुएंजा हो गया या ब्रोंक्योलाइटिस हो गया, ये दोनों डिजीजेज जो हैं ये क्या है? रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है। ब्रोंक्योलाइटिस बेसिकली हमारे पास होती है RSV, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या डिजीजेस हैं? या तो इन्फ्लुएंजा है या क्या है? RSV, ब्रोंक्योलाइटिस। तो अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है तो ये बेसिक चीज आपको पहले पता होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंजा में हम अमेंटाडीन, ठीक है, या रिमेंटाडीन, और इसके अलावा हम न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं जिसके अंदर ड्रग्स जो है वो ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर है, और RSV ब्रोंक्योलाइटिस में हम रिबावीरिन यूज करते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से ये ड्रग्स काम करती हैं और इन्फ्लुएंजा और ब्रोंक्योलाइटिस को ट्रीट करती हैं। ओके, इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंजा के अंदर हम यूज करते हैं अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन को, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा टाइप ए में। यह आपको याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए है और इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, लेकिन अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन को हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा टाइप ए में। अब ये ड्रग्स करती क्या है अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन? फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अमेंटाडीन की तो या रिमेंटाडीन की, तो हमने ये प्रोसेस जब रेप्लिकेशन का पढ़ा था तभी हमने देखा था कि जो वायरल अनकोटिंग स्टेप है ये उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। वायरल अनकोटिंग का जो स्टेप है उसकी इनहिबिशन करवाती है। कैसे इनहिबिशन करती है? वायरल मेम्ब्रेन जो है, वायरस की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होते हैं प्रोटीन M2, ये उन M2 प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देती है। जब वो इनहिबिट होते हैं तो उसकी वजह से वायरल अनकोटिंग इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। अब एक तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, दूसरी बात यह सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए में यूज होगी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमने पार्किंसन में भी पढ़ा था कि अमेंटाडीन जो है इसके एंटी पार्किंसन इफेक्ट्स भी हैं, तो पार्किंसन की ट्रीटमेंट में भी ये ड्रग जो है यूज होती है, ठीक है। पार्किंसन अगर किसी को है उसको भी ये ट्रीट करती है, तो एंटी पार्किंसन इफेक्ट भी आते हैं अमेंटाडीन से। अब अमेंटाडीन जो है इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वो होती है 50-90%, और अमेंटाडीन जो है ये एक्सटेंसिवली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, ठीक है, लेकिन जो रिमेंटाडीन है ये एक्सटेंसिवली क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को, और इनको हम यूज करते हैं ओरल फॉर्म में। तो ये आपको याद रखनी है बातें। फिर इसके बाद इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट के अंदर एक अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन के अलावा हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो होती हैं न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। अब न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स में हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो होती हैं ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर। तो ये दो ड्रग्स हैं जो कि न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है? देखें, जो इन्फ्लुएंजा है ना वायरस, इसके अंदर होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं न्यूरामिनिडेज। अब ये जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम है वायरस के अंदर, ये इसेंशियल है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो वायरल रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब हम ओसेल्टामिविर या ज़ेनामिविर यूज करेंगे तो ये जाके क्या करेंगे, इस न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो वायरल रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नए वायरसेस वायरियोन्स जो है वो नहीं बनेंगे, और जो रेप्लिकेशन है वो इनहिबिट हो गई, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। फिर इसके अंदर अब ये आपने याद रखना है कि जो ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर है ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी, ये दोनों के अगेंस्ट यूज होती है, जबकि अमेंटाडीन रिमेंटाडीन किस में यूज होती थी, टाइप ए में। एक चीज ये हो गई।
दूसरा इसमें यह है कि इन ड्रग्स को हम प्रोफाइलेक्सिस और एक्यूट ट्रीटमेंट इन दोनों सिचुएशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिकली भी दे सकते हैं और एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, ओसेल्टामिविर और ज़िनेमाविर को। फिर इन दोनों ड्रग्स की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ओसेल्टामिविर जो है ये ओरल फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। ओ से ओसेल्टामिविर है और ओ से ही ओरल है, तो ओसेल्टामिविर ओरली यूज होती है, ज़िनेमाविर जो है ये इंट्रानेजल यूज होती है। अब इसमें यह है कि ज़िनेमाविर क्योंकि इंट्रानेजल यूज होती है तो इसकी वजह से रिस्क होता है ब्रोंकोस्पैज़म का, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ओसेल्टामिविर ओरल यूज होगी, ज़िनेमाविर इंट्रानेजल, इंट्रानेजल की वजह से ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है। इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास क्या था, आरएसवी ब्रोंकियोलाइटिस, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, रिबावीरिन। अब रिबावीरिन जो है ये बेसिकली आपने याद रखना है ग्वानोसिन एनालॉग है, ठीक है, ग्वानोसिन एनालॉग है। और ये करता क्या है, मैकेनिज्म इसका क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा ये। अब इसका स्पेक्ट्रम जो है ये डीएनए और आरएनए वायरसेस दोनों के अगेंस्ट यूज होता है, इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट में पैरा इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, लासा वायरस, इन सब के अगेंस्ट ये यूज होगा रिबावीरिन। अगर इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखें तो इसकी जो है सीएनएस के अलावा बाकी सारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी हम करते हैं ओरल आईवी इनहेलेशन में, रूट के थ्रू जो हम यूज करते हैं, और एडवर्स इफेक्ट जो है इसके एनीमिया और जॉन्डिस हैं, और प्रेगनेंसी में हम इसको यूज नहीं करते। थेराप्यूटिक यूज जो है उसमें आपने ये याद रखना है कि जो रिबावीरिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया में, और खास तौर पे न्यूमोनिया जो है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं एरोसोल की फॉर्म में। इसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस है लासा वायरस के अगेंस्ट, और इसको हम डिफरेंट ड्रग्स के अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, पैरेन्फ्लुएंजा, मीजल्स, इन इन्फेक्शन में अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम रिबावीरिन यूज कर सकते हैं। ओके, अब हर्पीस वायरस के बाद हमने बात की रेस्पिरेटरी वायरसेस की, और उसके बाद हमारे पास है हिपेटिक वायरसेस। हिपेटिक वायरल इन्फेक्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, हिपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमारे पास जो चीजें हमें चाहिए हैं या जो ड्रग्स यूज होती हैं, इंटरफिरॉन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग है लैमिविडीन एक ड्रग है, लैमिविडीन जो है ये साइटोसिन एनालॉग है, फिर हमारे पास इंटेकाविर एक ड्रग है, इंटेकाविर जो है ये ग्वानोसिन एनालॉग है, इसके अलावा इंटेकाविर हम तब यूज करते हैं, ये दोनों ड्रग जो है ना बेसिकली लैमिविडीन और इंटेकाविर ये यूज हम करते हैं हेपेटाइटिस बी में, एचबीवी में। अब देखें हमने क्या किया, लैमिविडीन यूज की एचबीवी में, लेकिन अगर ये लैमिविडीन जो है ये हो जाती है रेजिस्ट, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस अगर हो जाती है तो फिर हम यूज करेंगे इंटेकाविर, ठीक है, और फिर हम रिबावीरिन भी यूज कर सकते हैं, और रिबावीरिन हम यूज करते हैं हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, एचसीवी, ठीक है, और इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं इंटरफिरोन के साथ। तो ये हम बेसिकली हिपेटिक वायरसेस की जब बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन कौन सी हैं, हमारे पास हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस अगर बी किसी को तो हम लैमिविडीन यूज करेंगे, अगर हेपेटाइटिस बी के अंदर जो लैमिविडीन है उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है तो हम इंटेकाविर यूज करेंगे, और अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो हम क्या करेंगे, रिबावीरिन यूज करेंगे, किसके साथ, इंटरफिरोन के साथ। इंटरफिरोन जो है ये बेसिकली इसकी तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है, और ये बेसिकली नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, किस नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, वायरसेस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स या ट्यूमर सेल्स हैं इवन, उनके रिस्पॉन्स में जो है ये प्रोटीन्स बनते हैं। और इसके अलावा जो गैमा इंटरफिरोन्स हैं इनकी एंटीवायरल एक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू अल्फा और बीटा इंटरफिरोन्स। अब अगर हम बात करें इंटरफिरोन्स के मैकेनिज्म की, इंटरफिरोन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये तीन डिफरेंट एंजाइम्स इंड्यूस करवाते हैं,
सबसे पहले क्या है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम। प्रोटीन काइनेज एंजाइम इंड्यूस करवा रहा है कौन, इंटरफेरोन। और ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो एंजाइम है ये क्या करेगा, प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, दूसरा एंजाइम इसमें हमारे पास होता है ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेज। अब ये जब एंजाइम इंड्यूस होगा ये क्या करेगा, डीग्रेड कर देगा वायरल मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, वायरल मैसेंजर आरएनए भी डीग्रेड हो गया। और तीसरा एंजाइम जो ये इंड्यूस करेंगे इंटरफेरोन, वो कौन से हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज। अब ये फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए को इनहिबिट करेगा। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है कि इंटरफेरोन्स ने क्या किया, इंड्यूस किए तीन एंजाइम्स, कौन कौन से, प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ये क्या करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, और ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेज एंजाइम, ये क्या करेंगे मैसेंजर आरएनए की आरएनए को जो है वो डिग्रेड कर देंगे, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम क्या करेंगे ट्रांसफर आरएनए को इनहिबिट कर देंगे। और ये तीनों एंजाइम मिलके अगर हम कहें कि कलेक्टिवली क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देंगे। इन तीनों प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर बायोअवेलेबिलिटी जो है ओरल बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 1% होती है। इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंट्रालाइनली सबक्यूटेनियस और आईवी फॉर्म में। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीएनएस और आईज के अलावा ये सारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाफ लाइफ जो है इंटरफेरोन्स की वो होती है 1 से 4 घंटे। एडवर्स इफेक्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है कि इंटरफेरोन्स जो है ये एक्यूट फ्लू लाइक सिम्टम्स कर देते हैं। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। फिर इसके अलावा बोन मैरो सुप्रेशन है जिसमें ग्रैनुलोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी जिसमें कन्फ्यूजन और सीयर्स हो सकते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी, एरिथमियाज करवा सकते हैं और इम्पेयरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं इंटरफेरोन्स के। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें इंटरफेरोन्स की, तो ये यूज होता है हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक, अगर किसी को है उसकी हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा एचजेडवी इन्फेक्शन इन कैंसर पेशेंट्स, इसके अलावा साइटोमिगेलो वायरल इन्फेक्शन की अगेंस्ट, खासतौर पर रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। जब हम रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट को करते हैं या उनका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं रीनल इम्पेयरमेंट में, तो उसमें हम ये यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं हेरी सेल ल्यूकीमिया में और एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा में हम ये यूज कर सकते हैं इंटरफेरोन्स को। और इसके अलावा हमारे पास जो हेपेटिक इन्फेक्शंस हैं वायरल इन्फेक्शन, उसके अंदर हम जो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं जुडोवुडीन है, जिडोवुडीन एक ड्रग है, डिडेनोसिन है, ठीक है, अबेकाविर, लेमिवोडीन, ये सारी ड्रग्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में हमारे पास एक ड्रग है इफाविरेंस और एक है नेविरापीन। और फिर हमारे पास कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं सक्विनाविर है, नेल्फिनाविर है, इसके अलावा इंडिनाविर, रिटोनाविर, ये सारी हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं।